नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। श्रम मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जूली ने दिनांक 14 अप्रैल 2020 को भारत रत्न एवं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आम जन से अपील की है कि इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। मैं आप सभी से इस मौके पर एक अपील करता हूं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन वजह से हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं, इनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने नहीं जा सकते। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कल दिनांक 14 अप्रैल 2020 को आप सभी अपने अपने घरों पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर घर के आंगन में दिए जलाएं, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। नमस्कार साथियों, कल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष महामानव जिन्होंने इस दुनिया को नई दिशा दी, खासतौर से दलित पिछड़े गरीब महिलाएं, इनको आज जो मान सम्मान मिला है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान है। आज जो हमारा संविधान जो सबसे मजबूत संविधान पूरे विश्व के अंदर है उसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। मैं इस अवसर पर आपसे अपील करना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और हम सब लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, तब उनके स्थल पर जाके उनको माल्यार्पण और पुष्प तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अपने घरों के अंदर दिए जलाकर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, यही निवेदन करना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।